जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में क्या अंतर है और क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या आपको नुकसान होने वाला है। ये दोनों में कंपेयर करके आपको सारी बातें बताऊंगा। हर इंसान का किसी न किसी बैंक में अकाउंट होता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो आइए इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए ताकि आपके पास इससे संबंधित नॉलेज हो जाए, आप भी किसी को बता सके। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। आते हैं सीधे मुद्दों पर। देखिए मैं आपको बता दूं कि अपने देश में सरकारी बैंक मुख्य सरकारी बैंक यही है, 6 मुख्य सरकारी बैंक है और प्राइवेट बैंक भी मुख्य रूप से 6 ही है। बाकी बैंक तो बहुत है, बहुत सारे सरकारी बैंक है छोटे छोटे और बहुत सारे प्राइवेट बैंक है छोटे छोटे, लेकिन जो मुख्य रूप से है प्रमुख बैंक है। पहले देखिए प्राइवेट बैंक बता दूं, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। ये बैंक बहुत पॉपुलर बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। सरकारी सेक्टर में SBI जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जिसे PNB कहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, इन बैंकों को प्रमुख बैंक माना जाता है। तो ये जो 6-6 बैंक है सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का, इसमें अंतर क्या है, किस में आपको खाता रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए होता क्या है कि प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में क्या है कि आप इस बैंक में, इसमें से किसी भी बैंक में, जो बैंक 6 बैंक मैंने बताया, किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने आप जा रहे हैं तो वहां क्या होता है, पर्सनल एग्जीक्यूटिव होता है। इसके लिए पर्सनल एग्जीक्यूटिव होता है, अकाउंट खोलने वाला एक बंदा होता है जो सिर्फ अकाउंट खोलने का काम करता है। चाहे वो बैंक में बैठ के अकाउंट खोले, वहां अकाउंट खोलवाने कोई नहीं आएगा तो वहां से निकल के वो फील्ड में जाएगा, पता करेगा कि किसको अकाउंट खोलवाना है, पूछ के लोगों का अकाउंट खोलेगा। और अगर जैसे कि आप ब्रांच में गलती से बैंक में पहुंच गए, प्राइवेट बैंक में आपने वहां पर बोल दिया कि अकाउंट मुझे खुलवाना है और वहां पर सर्वर डाउन हो, चाहे उसका पूरा लिंक फेल हो पूरा सिस्टम का, चाहे पूरा बैंक का सिस्टम ही फेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बंदा बोलेगा कि ठीक है आज नहीं हो पाएगा, आप अपना नाम एड्रेस लिखा दीजिए, आप घर जाइए, मैं घर पे आके आपका अकाउंट खोल दूंगा। और वो व्यक्ति आपको फोन कर करके परेशान कर देगा, अकाउंट आपका खुलवाना है लेकिन फिक्र उसको रहेगा, वो आपको ब्रांच बुलाएगा, नहीं आएंगे तो घर पे जाके अकाउंट खोलेगा, घर पे नहीं रहेंगे ऑफिस में रहेंगे तो ऑफिस में जाके अकाउंट खोलेगा, लेकिन वो बंदा आपका अकाउंट खोल के छोड़ेगा। तो ये रहा प्राइवेट बैंक। अब बता दो सरकारी बैंक, तो इन सरकारी बैंक किसी में आपको अकाउंट खुलवाना है तो इसमें क्या है, इसमें है कि वही स्टाफ आपका अकाउंट खोलता है जो स्टाफ बैंक में काम कर रहे होते हैं, काउंटर पर बैठे होते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, रिलेशनशिप मैनेजर हो, या फिर कैशियर हो, या फिर बैंक में कोई ना कोई उसको पोस्ट मिला हुआ है, अलग से स्पेशल कोई ऐसा बंदा नहीं रहता है जिसका काम सिर्फ अकाउंट खुलवाना हो। तो वहां पर यह दिक्कत है। आज भी आप सरकारी बैंकों में जाएंगे, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, ऑनलाइन होने के बाद भी, ऑनलाइन करने का प्रयास करेंगे तो बोला जाएगा सर्वर डाउन है, तो आज आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका ये चीज गलत है, तो आप ATM कार्ड का फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा, चेकबुक का फॉर्म आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में पासबुक का प्रिंटर खराब है नहीं तो पासबुक प्रिंट करके आपको दे देते हैं, आपको 3-4 दिन बाद आना पड़ेगा। आज भी सरकारी बैंकों में ये सब सुनने को मिलता है। क्यों आपको बता दूं, निजीकरण का बात उठा था, बहुत सारे लोग पब्लिक परेशान हो गए थे, बहुत सारे पब्लिक परेशान हो गए थे कि निजीकरण से पब्लिक को दिक्कत है, निजीकरण से पब्लिक को दिक्कत है। मैं आपको बता दूं, निजीकरण से पब्लिक को फायदा है, प्राइवेटाइजेशन होने से बैंक का पब्लिक को फायदा है, कर्मचारी को नुकसान है। जो सरकारी बैंक में काम कर रहे हैं उनको नुकसान है, इसीलिए वो लोग विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सिम यूज करते होंगे, एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का, आप तीनों का इस्तेमाल करते हैं, आपको पसंद नहीं होता है, अगर एयरटेल पसंद नहीं है तो आप जियो में चले जाते हैं, जियो पसंद नहीं है तो वोडाफोन में चले जाते हैं। 3-4 कंपनियां बची हुई है जो प्राइवेट है और सभी में इतना कॉम्पिटिशन है कि एक दूसरे का कस्टमर खींचने के लिए ऐसा ऐसा ऑफर मिलता है कि पब्लिक को फायदा होता है, फायदा पब्लिक को होता है, नेटवर्क अच्छा मिलता है, इधर उधर जाने का ऑप्शन है, शिकायत करने के लिए सभी का कस्टमर केयर 24 घंटा तैयार रहता है, आपको हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कंपनियां तैयार रहती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट है। लेकिन आज भी BSNL का हाल देख लिए, जो भारत संचार निगम लिमिटेड है, या MTNL है, महानगर संचार निगम लिमिटेड है, आज भी उसका हाल देखिए क्या है। तो इसीलिए निजीकरण कहा गया है कि बैंक में, यह नहीं कि सरकारी बैंक में सुविधा नहीं है,
सरकारी बैंक ने, सरकार ने बहुत सारा सुविधा दे रखा है। टेक्नोलॉजी तो ऐसा है जो प्राइवेट बैंक उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कर्मचारी जो है आज भी, ज्यादातर कर्मचारी आज भी काम कर सकते हैं, ओवरलोड है काम का, लेकिन वो टालना आज भी पसंद करते हैं। कोई काम के लिए जाइए, सबसे ज्यादा SBI की बात बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितनी बड़ी बैंक है सरकारी सेक्टर का, आज भी लोगों को टालते हैं। ये कहा जाता है कि आज सर्वर डाउन है, तो आज प्रिंटर खराब है, तो आज ये चीज गलत है, आपका नहीं हो पाएगा, दो दिन बाद आइए, दो दिन बाद आप जाते हैं तो फिर दो दिन बाद आइए, एक चेक क्लियर कराने के लिए भी आपको परेशान होना पड़ता है। तो ये सब हाल है आज के डेट में, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, बैंक के कर्मचारी का दोष है, और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक में आज भी 1,000 रुपया से आपका अकाउंट खुल जाता है, मैक्सिमम 2,000 रुपया अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यही आपको बता दूं, प्राइवेट बैंक में आपको ग्रामीण क्षेत्र है तो 5,000 से अकाउंट आपका खुलेगा, और अगर शहरी क्षेत्र है तो कम से कम 10,000 रुपया से आपका अकाउंट खुलेगा, इससे ऊपर जितना का आप खुलवा लीजिए। लेकिन आप जानिए कि आप सरकारी बैंक में ही अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 1,000 से खुलवाते हैं 1,000 ही उस पर रखते हैं, 2,000 से खुलवाते हैं तो 2,000 ही रखते हैं, आप उस पर 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000 रखते ही होंगे, वो रख के उतना छोड़ के रखता ही आपको 10,000, 30,000, 40,000 रुपया, तो वो रखते जो है, तो आप अगर सुविधा चाहते हैं, बहुत अच्छा सुविधा चाहते हैं, तो क्यों ना आप 10,000 से ही खाता खुलवा ले, 5,000 से खाता खुलवा ले, इतना हम बैलेंस उसमें बरकरार रखेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लेन देन करिए, सुविधा आपके घर तक पहुंचती है। प्राइवेट बैंक में आज भी कर्मचारी लोग थर थर कांपते रहते हैं, अगर कोई गलती करते हैं, कोई अपशब्द आपको बोल देते हैं, कोई काम को टाल देते हैं, आप अगर जोनल ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, कंपनी के मेल पर एक बार खाली आप मेल करके देखिए, फोन करके देखिए, उस स्टाफ पर उसी वक्त कार्रवाई होगी, कल होके कार्रवाई हो जाएगी, परसों होके कार्रवाई हो जाएगी, उसको काम तक से निकाल दिया जाता है, जॉब तक से निकाल दिया जाता है। बट सरकारी बैंक में, सरकारी बैंक में होता क्या है कि इसको किसी प्रकार का डर नहीं, इसको पता है आप कंप्लेन करेंगे, वहां से इसको कारण बताओ नोटिस किया जाएगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, बाद में स्टाफ क्या कहेगा, मैंने ऐसा किया नहीं, इसका सबूत दीजिए। अब कस्टमर सबूत खोजते रहे कि उसने अगर आप शब्द बोला है उसका सबूत दीजिए, कहां से सबूत दीजिएगा, उसने अगर आपका काम टाला तो सबूत दीजिए, कल वो कोई बहाना बनाएगा, बहुत तरह के उसके पास ऑप्शन होते हैं, सारे स्टाफ एक हो जाते हैं, सारे यूनियन एक हो जाते हैं। प्राइवेट बैंक में क्या है, सबूत का कोई झंझट नहीं है, आपने ऐसा किया तो किया होगा, क्योंकि कस्टमर इतना फालतू नहीं है, इतना बेवक्त नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि काम नुकसान करके सिर्फ आपका कंप्लेन बेमतलब के करने आएगा, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बैंक में अगर कोई स्टाफ का कोई कंप्लेन करता है, क्यों करता है, बैंक के स्टाफ से तो पर्सनल दुश्मनी मेरा नहीं रहता है, चाहे आपका नहीं रहता है, कोई भी बैंक में कुछ ना कुछ वो आप शब्द बोलता है, गलत करता है, आपका काम लटकाता है, या फिर आपके काम को टालता है, आपका काम खराब करता है, तभी आप कंप्लेन करते हैं। इसमें सबूत क्या होता है, कोई इंसान आपका कैमरे के साथ में, वीडियो के साथ में तो किसी से बात करने नहीं जाता है, या फिर कोई ऐसा रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर तो नहीं जाता है बैंक में कि हाँ वो ऐसा करेगा तो मैं ये रिकॉर्ड करके रखूंगा, ये सबूत बताऊंगा। तो ये सब होता है सरकारी बैंक में, और ये होता है प्राइवेट बैंक में, ये अंतर है। बैंक दोनों अपने जगह सही है, कर्मचारी के कारण सरकारी सेक्टर का बैंक आज भी बदनाम है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक आज फल फूल रहा है, और वहाँ काम बहुत लोगों का आसानी से हो रहा है, इसीलिए आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में ही अपना अकाउंट रखना मुनासिब समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अब आते हैं सिक्योरिटी की बात, सुरक्षा की बात, तो आपको बता दें बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये सारे बैंक RBI के रूल के हिसाब से ही काम करती है, RBI के अंडर में ही काम करती है। मतलब कि इसमें से पूरे सरकारी बैंक हो या पूरे प्राइवेट बैंक हो, कोई भी डूब जाता है तो आपका 5,00,000 रुपया तक ही सुरक्षित रहता है, 5,00,000 रुपया तक आपको मिलना, चाहे आपका 1,00,000 रुपया हो, 2,00,000 रुपया हो, 3,00,000 रुपया हो, पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 5,00,000 से ऊपर आपका पैसा है, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000, 50,00,000 रुपया, तो वो आपका 5,00,000 ही सुरक्षित होता है, चाहे इसमें से सरकारी प्राइवेट में से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, किसी भी बैंक में पैसा है। फिर इसमें दिक्कत क्या बात है, पब्लिक को तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी कारण है कि आज सरकारी स्कूल में सरकारी कर्मचारी खुद अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, सरकारी हॉस्पिटल में उसी हॉस्पिटल का व्यक्ति अपना इलाज नहीं कराना चाहता, अपना परिवार का इलाज नहीं कराना चाहता, सरकारी बैंक में वही व्यक्ति अपना खाता नहीं रखना चाहता, अपना पैसा FD नहीं करना चाहता है। खुद सरकारी सेक्टर में काम करने वाले लोग सरकारी संस्था से भागते हैं, और यह बात अगर उनको सुनने में आए जो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, मिर्ची लगेगी, बुरा लगेगा। इसलिए सरकार आज न कल धीरे धीरे रेलवे से लेकर, बैंकिंग से लेकर, बहुत सारे सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेट होता जा रहा है, लोग भले ही विरोध कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, इसका सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसका फायदा एक दिन उसी पब्लिक को जरूर मिलेगा, और वही पब्लिक कहेंगे कि प्राइवेट होने से कितना फायदा है। आपको बता दूं, जिस समय कंप्यूटर आया था राजीव गांधी जी के जमाने में, तो उस समय बहुत भारी विरोध कंप्यूटर का हुआ था, और आज के डेट में पब्लिक भी विरोध कर रही थी, विपक्ष पार्टियां भी विरोध कर रही थी, और आज के डेट में वही कंप्यूटर है जो अगर नहीं रहता तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं
नहीं देख पाते टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो आप मोबाइल चला रहे हैं वो नहीं चला पाते टेक्नोलॉजी के आधार पर। आप मोबाइल में अभी पूरा बैंक चला रहा है, अपना अकाउंट चला रहा है, पूरा सिम चला रहा है, लैपटॉप से पूरा कारोबार संभाल रहे हैं, पूरा कारोबार का उसमें हिसाब रख रहे हैं, सारा चीज कंप्यूटर से हो रहा है। प्रिंट निकालना है तो कंप्यूटर से निकाल ले रहे हैं, आपको अब जमीन का रिकॉर्ड देखना है तो कंप्यूटर से देख ले रहे हैं, अपना रिजल्ट देखना है बच्चों को तो कंप्यूटर से देख ले रहे हैं, कोई फॉर्म भरना है तो कंप्यूटर से भर ले रहे हैं, हर चीज ये कंप्यूटर लैपटॉप से हो रहा है। तो विरोध उस समय काफी हुआ था, पब्लिकों ने विरोध किया था कि रोजगार खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। मैं बता दूं, इस कंप्यूटर के आने से जितना रोजगार बढ़ा है उतना रोजगार कंप्यूटर नहीं रहता, तो बहुत ज्यादा और भीषण बेरोजगारी होती। तो इसी प्रकार से जब प्राइवेट हो जाएगा ये सेक्टर तो लोग डर से काम करेंगे, अच्छा काम लोगों को मिलेगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कहां से मैंने शुरू किया था बैंक से और मैं कहां आ गया, लेकिन समझाने के लिए इतना बकवास करना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है। तो यह फर्क है सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में।